हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपनी वेगनार का जो है ना कार 24 पे प्राइस लगवाते हैं। थोड़ी पुरानी हो गई है, वैसे तो मैंने इसमें काम वगैरह करवा दिया है, सस्पेंशन चेंज करा दिया इसका पूरा, और टायर वगैरह चारों नए हैं, मतलब 30,000 रुपये लगा दिए इसमें। अब सोच रहे हैं थोड़ा सा अपग्रेड करें, कार को चेंज करें, वेगनार है। तो कार 24 वाले भाई आ रहे हैं, सुबह कॉल आई थी उनकी 12 बजे करीब, और 1 बजे उनका जो इंस्पेक्शन वाले होते हैं उनकी कॉल आ गई, वो आ रहे हैं इसको चेक करने के लिए। तो इसको चेक कराते हैं, क्या क्या चीज चेक करते हैं आपको बताते हैं। चलो, इंजन तो यार ऐसा हो जैसे जो ना लैंड रोकनी को मैं बता देता हूँ। चेक हो ये, अच्छा इससे पता चल जाएगी ओरिजिनल है, खिड़की लोकल है, ये बात अपडेट कर रहे हैं भाई साथ के साथ। देखो ये भाई का चैनल है, इसको मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। तो भाई अब चला के देख रहे हैं इसको, हमारी गाड़ी का भी कमी बता जी भाई, जो भी कमी हो। ठीक है भाई, तो कितना चला के देखोगे इसको? एक किलोमीटर चलाओगे। टेस्ट ड्राइव होगी कंप्लीट? ओके सर। तो मतलब क्या क्या चीज लग रही है इसमें? ओके, गाड़ी पूरी। सस्पेंशन ठीक है, और गियर वेयर ठीक है सर। इंजन ओके, क्लिच ठीक है, स्टीयरिंग भी ओके। स्टीयरिंग तो नया डाला है, पूरा सस्पेंशन नया करवाया है इसका। 30,000 रुपये लगा दिए, ओके ना होगी। अब इंजन चेक कर रहे हैं अभी भाई। कितने आ जाएंगे तुम? मिल जाओ यार, पहुँच 1,00,000 रुपया। तुम तो ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे हो, पहुँच के तो नहीं आई हो। एसी लगा देगा आपने? बंद करा। एसी बंद कर दे, उतर जा बाहर, आ जा, ये तो नॉस पर बैठे हैं, उतर जा। ये बैक कंप्रेसर चेक हो रहा है। रिपोर्ट है ठीक है, ओके ओके, इंजन ओके। तो क्या क्या चीज चेक हो गया हम इंजन में? बैक कंप्रेसर भी। तो भाई आरसी और इंश्योरेंस कैरी करना पड़ेगा आपको, साथ में रखने हैं। सारी चीज चेक करते हैं, रबड़ वबड़ चेक करते हैं। फिलहाल तो गाड़ी की अब तक जो रिपोर्ट बता रहे हैं भाई, सारी चीज ओके हैं, सस्पेंशन वगैरह, गियर वगैरह, इंजन वगैरह सब ओके। अब देखते हैं कितने दिन प्राइस वगैरह आते हैं, उन सब चीज़ों को भाई से एक बार पूछते हैं। इस गाड़ी का नंबर ना जाएगा, सारे फोटो चले जाएंगे। नंबर जाते तो खुद ही फोन में कर लेंगे। सही है, हाँ नंबर जाने के बाद डिटेल चली जाएंगे। ठीक है, कमी कोई ना, ठीक है। अच्छा प्राइस आने में कितना टाइम लगेगा? प्राइस आने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1-2 दिन भी लग सकता है। 1-2 दिन? 2 घंटे तो वैसे लगेंगे, 2 घंटे में बताते हैं। अच्छा, तो जैसे चेक करी कोई मेजर प्रॉब्लम है इसमें ऐसी कुछ? नहीं, मेजर प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी नहीं। कितना प्राइस आ जाएगा लमसम कुछ अंदाजा? प्राइस कंपनी बताती है, कुछ नहीं बताओगे? पता नहीं है। हाँ ये चीज़ है। तो भाई ने अपना इंस्पेक्शन कर लिया है, अब देखते हैं प्राइस बता रहे हैं 2 घंटे या 2 दिन भी लग सकते हैं। तो चलो भाई ठीक है, ओके भाई धन्यवाद। ठीक है भाई, तो वो अपनी कार को मतलब चेक करके चले चुके जा चुके हैं, चेक उन्होंने कर ली है कंप्लीट, जो जो डिटेल्स होती हैं सारी चीज़, इंजन वगैरह, गियर वगैरह, क्लिच प्लेट, ब्रेक पैड, सब मतलब डेंट कहाँ कहाँ से है, कलर डेंट वेंट सब अपडेट कर दिए उसमें। प्राइस के लिए बोल रहे हैं कि 2 से 2 दिन तक लग जाते हैं, तो देखते हैं कब तक प्राइस आते हैं। और अगर 350 पर आए इसके प्राइस तो दूंगा, नहीं तो मैं सेल नहीं करूंगा इसको, क्योंकि मैंने इसमें पैसा ऑलरेडी लगा चुका हूँ, 30,000 रुपये लगा चुका हूँ, 350 पर आएंगे प्राइस तो सेल करूँगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि 18 मॉडल आप भी देखोगे ना स्पिनी और कास्ट 24 पे, तो वहाँ भी 4 लाख से ऊपर ही मिलेंगे 18 मॉडल के।
तो अपनी की गाड़ी के प्राइस जो आ चुके हैं, शाम को ही आ गए थे 7 बजे, तो इसके प्राइस जो लगाए हैं ना कार्स 24 वालों ने 235,392 और सर्विस चार्ज ले रहे हैं इसमें 6,600 रुपये, तो उसके बाद जो प्राइस मिला है 235,392 मिला है, मतलब 18 मॉडल के 235,000 दे रहे हैं, जबकि गाड़ी में 4 टायर नए हैं, बैटरी नई है, सस्पेंशन सारा करा है, स्टेयरिंग नया है। वीडियो में आपने देखा है ना केवल आगे से लगी हुई है, वो भी माइनर लगी हुई है, मेजर नहीं लगी, बस पेंट पेंट ही हुआ है, कोई पार्ट चेंज नहीं है, सारे पार्ट जेन्युइन है ओरिजिनल टोटल। तो देख रहे हो फिर भी इन्होंने 235,000 दिए हैं, 235,000 भाई धल लो अपने पैसों को, मैं तो सेल नहीं करूँगा। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये जब सेल करते हैं ये देखो वैगनार 2017 मॉडल VXI मेरी वाली सेम 363,000, ठीक है, ये वैगनार ऑटोमेटिक हो गई 16 मॉडल 369,000 और ये वैगनार 22 568,000, ये वैगनार 19 445,000, ये वैगनार 1.0 स्टिकरेज आती थी 350,000, मतलब देख रहे हो ये वैगनार 2017 मॉडल 336,000 और मुझे दे रहे हैं 235। इसमें क्या करोगे भाई, टायर चारों नए हैं, बैटरी नहीं है, सस्पेंशन नया कर रखा है, मतलब सोचने वाली बात है भाई, ये खरीदते हैं ना बस उल्टे सीधे रेट लगाते हैं, तो भाई मैं तो सेल करूंगा नहीं अपनी इस गाड़ी को, क्योंकि क्या फ़ायदा सेल करने का जब प्राइस इतने अच्छे दे नहीं रहे हैं, मतलब अपनी गाड़ी 4 लाख की, मेरी गाड़ी 2,30,000 रुपये की, जबकि सारे चीज़ नहीं है, सस्पेंशन से लेकर टायर बैटरी सब धना धन है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैंने सोचा मैंने थोड़ा देख लेते हैं गाड़ी सेट होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल करने का विचार बना रहे थे, दूसरी गाड़ी की तरफ जाना सोच रहे थे, लेकिन भाई ये तो गलत है। तो बताना भाई कमेंट्स में इनके बारे में कार्स 24 वालों के, क्या आप बोलोगे कि ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अपनी गाड़ी इतनी महंगी बेचेंगे, हमारी गाड़ी इतनी सस्ती लेंगे।